झारखंड के विधानसभा में जो आजकल हो रहा है वो भारत के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। आपको जानकारी है, मानसून का सत्र चल रहा है और विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष के मुखिया से सवाल पूछ रहे हैं, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। कायदे से झारखंड के मुख्यमंत्री को जवाब तो दे देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अपने ही तरीके से, सत्ता पक्ष के मुखिया जो हैं हेमंत सोरेन, वो अपने ही तरीके से विपक्ष के नेताओं को जवाब दे रहे हैं। अब सवाल सत्ता पक्ष से जो पूछा जा रहा है वो ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव पूर्व जो घोषणा किया था अपने घोषणा पत्र में कि झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार, 5 लाख नौकरी हर साल देंगे, वो क्यों नहीं दिया गया? अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कर देंगे, वो क्यों नहीं दिया गया? और ऐसे जो वादे थे उन सब पर सवाल सत्ता पक्ष से विपक्ष के विधायक पूछ रहे हैं और इन सब का नेतृत्व कर रहे हैं अमर बावरी। अमर बावरी का इतिहास तो 10-15 साल का है झारखंड की राजनीति में, लेकिन ऐसा कुछ हो गया था जिनके कारण उनको इस राजनीति में हिस्सा लेना पड़ा, उस बातों को छोड़ देते हैं। फिलहाल वर्तमान में जब से अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष बने हैं भाजपा के, तब से वो गजब ही फॉर्म में है। झारखंड की विधानसभा में जो कुछ हो रहा है वो शायद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और उस मानसून सत्र में विपक्ष यानी भाजपा और आजसू के विधायक धरने पर बैठ गए। धरने पर विधायकों का बैठना किसी भी विधानसभा, चाहे वो झारखंड हो या किसी और राज्य का विधानसभा हो, उसके लिए बहुत आम बात है। विधायक अपने मुद्दे लाते हैं और मुद्दों पर जब सत्ता पक्ष से जवाब नहीं मिलता तो बैठ जाते हैं धरने पर। लेकिन झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में जो विधायक धरना दे रहे हैं वो सिर्फ दिन में सत्र चलने के दौरान नहीं दे रहे हैं, बकायदा कल रात भी भाजपा राजसू के विधायकों ने विधानसभा में ही धरना दिया है। हालांकि फिर जो मार्शल हैं उनके द्वारा उस कमरे से उनको निकाल दिया गया, जो हॉल है बड़ा सा जहां मुख्यमंत्री बोलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं, वहां से उनको निकाल दिया गया। उससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान ही अमर बावरी, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं भाजपा की तरफ से सरकार में, वो भाषण दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक अनुबंध कर्मियों का सवाल, जब तक जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनका सवाल और जब तक युवाओं को रोजगार वाले सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है, भाजपा के विपक्ष के जो विधायक हैं, भाजपा आजसू के जो विधायक हैं, वो धरने पर रहेंगे और धरना तब तक चलेगा जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा, यानी रात दिन चलेगा। और उसके बाद हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो गए भाजपा के विधायकों से मिलने, बात करने, पर बात नहीं बनी और रात में भी भाजपा के विधायक विधानसभा में ही, विधानसभा का जो सभागार है, जो हॉल है जहां सत्र चलता है, जहां वाद विवाद चलता है, विधानसभा अध्यक्ष बैठे होते हैं, वहीं धरने पर बैठ गए। फिर एसी बंद कर दिया गया, फिर बिजली बंद कर दी गई, शौचालय जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। उसके बाद मार्शल जो होते हैं वो अमर बावरी को उठाकर बाहर कर देते हैं और तमाम विधायक बाहर धरने पर बैठ जाते हैं और अभी तक वो धरने पर हैं। थोड़ी देर में सत्र शुरू हो गया होगा, लेकिन यह आक्रामक रवैया जो विपक्ष का है, यानी जो भाजपा आ चुका है, वो तब से देखने को मिल रहा है जब से बतौर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पद संभाला है। अगर हम आम भाषा में कहें तो भाजपा ने अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, वो अब दिख रहा है। इससे पहले जब 2019 का विधानसभा का चुनाव आना था, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब हेमंत सोरेन ऐसे ही आक्रामक रवैये में थे, जैसे सिख जेपीसी का मसला था, जैसे स्थानीय नियोजन नीति का मसला था, जैसे सीएनटी एसपीटी में संशोधन का मसला था और कई ऐसे मसले थे जिस पर हेमंत सोरेन बहुत प्रखर होकर विधानसभा के अंदर बोलते दिखाई पड़ते थे, लड़ते दिखाई पड़ते थे रघुवर दास से, यानी सत्तापद से उस वक्त सवाल पूछा करते। अब उसी फॉर्म में अमर बावरी हैं। अमर बावरी ने कल घोषणा की थी विधानसभा सत्र के दौरान ही अपने अभिवादन में, अपने भाषण में, कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक विपक्ष के विधायक विधानसभा के इसी हॉल में रहेंगे। और ये हुआ भी, रात तक वो लोग रहे, अभी तक वो लोग वहीं हैं। अब आज के सत्र में देखना है कि हंगामा कितना बड़ा होता है और कब तक ये सत्र चल पाता है। अमर बावरी फुल आक्रामक रूप में है
और उनकी आक्रामकता शायद भाजपा की नैया को बहुत दूर तक ले जा सकती है, क्योंकि जो सवाल अमर बावरी उठा रहे हैं, चाहे वो अवैध घुसपैठी का मसला हो, चाहे बेरोजगार के रोजगार का मसला हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मियों का मसला हो, चाहे अनुबंध कर्मियों का मसला हो, ये तमाम सवाल जो हैं वो सवाल एक वक्त पर जेएमएम कांग्रेस के हुआ करते थे, अब ये सवाल बीजेपी अमर बावरी के नेतृत्व में उठा रही है। तो शायद भाजपा को फायदा हो सकता है और जेएमएम को कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, शायद इसकी संभावनाएं देखी जा सकती है कोई, लेकिन इस पर हम एकदम मोहर नहीं मार रहे हैं। हालांकि जब केंद्र में मोदी जी यानी प्रधानमंत्री ऐसे सवालों से भागते हैं, तब जेएमएम कांग्रेस या विपक्ष में जो बीजेपी के विपक्ष में जो केंद्र में विधायक सांसद हैं या पार्टियां हैं वो कहती हैं, वो कहते हैं, वो तमाम पार्टियां उनके नेता कहते हैं कि मोदी जी सवालों से भागते हैं। अब झारखंड के अंदर विधानसभा के अंदर कमोबेश ऐसे ही कुछ स्थिति बनी हुई है, जब भाजपा के विधायक सवाल पूछ रहे हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहे हैं। कायदे से उनको जवाब दे देना चाहिए कि आखिर 5 लाख युवाओं के रोजगार का जो वादा था उसका क्या हुआ, जवाब दे देना चाहिए था कि अनुबंध कर्मियों से जो वादा था उसका क्या हुआ, रसोईया बहनों से जो वादा था उसका क्या हुआ, स्वयंसेवक जो साथी हैं उनसे जो वादा था उसका क्या हुआ, और सहायक पुलिसकर्मियों से जो वादा था उसका क्या हुआ। जवाब तो देना है, सिर्फ जवाब ही देना है, अब 2 महीने में बहुत कुछ हो नहीं सकता है। जवाब ही देना है कि 5 साल में क्या हुआ इन मसले पर। अगर कांग्रेस रोक रही है तो यह भी माननीय मुख्यमंत्री को बता देना चाहिए कि कांग्रेस या हमारा जो इंटरनल गठबंधन है उसमें गड़बड़ है, इसलिए ये चीज़ें नहीं हो पाई। 5 साल में महिला आयोग क्यों नहीं बन पाया, 5 साल में आयोग जितने भी आयोग हैं उनके पद खाली क्यों हैं, 5 साल में सूचना आयुक्त खाली क्यों हैं, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब माननीय मुख्यमंत्री को कायदे से दे देना चाहिए। और अगर गठबंधन के अंदर गड़बड़ी है कांग्रेस एमएम के अंदर तो ये भी बता देना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ग्रामीण विकास मंत्री नए जो बने इरफान अंसारी, उन्होंने कई पदाधिकारियों का तबादला किया जो उनका अधिकार था, लेकिन उस तबादले को रोक दिया गया हेमंत सोरेन द्वारा, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करके उन तबादलों को रोक दिया। तो क्या इंटरनल कुछ गड़बड़ी चल रही है, क्या किसी मसले पर विवाद चल रहा है, या किसी मसले पर सहमति नहीं बन पा रही है? अब चुनाव नज़दीक है, क्या भाजपा अवैध घुसपैठी वाला जो मसला है संथाल परगना का, पाकुड़ का, जो अब बहुत बड़ा एजेंडा बन चुका है इस राज्य के लिए, और ये जो अब सहायक पुलिसकर्मी वाला मसला है, 5 लाख रोजगार वाला मसला है, क्या इन सवालों को लेकर भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में जाएगी और कुछ उसको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन विधानसभा में जो हो रहा है इस मानसून सत्र में, ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है, भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई किसी पक्ष का विधायक, विपक्ष का विधायक खासकर, किसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठा हो, और वो भी कंटिन्यू रात दिन वो धरना जारी है। अमर बावरी पर दाव खेलकर शायद भाजपा ने एक बेहतर मास्टर स्ट्रोक झारखंड के अंदर खेला है। झारखंडी मुद्दों पर भी अमर बावरी आजकल बात कर रहे हैं, झारखंडी मुद्दों पर भी अमर बावरी मजबूती से दिखाई पड़ रहे हैं, संथाल परगना का, आदिवासियों की जमीन का मसला हो या और, हालांकि इसके पीछे राजनीति ज़रूर है, इसके पीछे की डाटा जो भी है वो अलग होगी, लेकिन अमर बावरी मजबूती से टिके हुए नज़र आ रहे हैं, और देखना आगे भविष्य में है कि क्या अमर बावरी के नेतृत्व में ही भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा का, क्या अमर बावरी ही अगली बार, क्योंकि आप जब प्रभारी आए थे भाजपा के, उन्होंने कहा था कि वो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ एक बात ये कही कि 52 सीटों पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा जो गैर आदिवासी सीटें। तो क्या इन गैर आदिवासी सीटों का जिक्र इसलिए है कि इसके पीछे अमर बावरी को एक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा? ऐसे कई मसले हैं जिस पर आपको थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, बाकी हम सोच विचार करके तो आपको बता ही दे रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जो विधानसभा सत्र में चल रहा है उस पर, आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, टिप्पणी के माध्यम से बताइएगा। लेकिन जो हो रहा है ये बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, और ये बस
2 दिन और 2 तारीख तक ही होगा, आज 1 तारीख है, 2 तारीख तक होगा। इसके बाद फिर इंतज़ार होगा किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में होगा कौन पक्ष में होगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।